तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा सिलेक्शन। देखिए, पहले टॉपिक जो थी वो तो एक्सेल के इंट्रोडक्शन था, और दूसरी टॉपिक जो मेन टॉपिक में मतलब कि एक्सेल की पहली टॉपिक जो स्टार्ट हुई वो होगी सिलेक्शन। अब इसमें कुछ लोग सवाल पूछ देते हैं कि सर सिलेक्शन ही क्यों, हम दूसरा चीज से भी शुरू कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम एक्सेल में कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट करते हैं। जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना कॉपी होगी, ना रिवर्ट लगेगी, ना फिल्टर लगेगी, ना चार्ट लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसलिए सिलेक्शन की कुछ ट्रिक्स है, उसको जान लो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए है। अब मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, माउस से क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर्सर रखू, कंट्रोल का शिफ्ट प्रेस करो और सबसे लास्ट में क्लिक करो तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता जी है। क्या होता है, कर्सर यहाँ पे है, अगर यहाँ नीचे करता हूं तो मूव होता है, लेकिन जब शिफ्ट के साथ जी क्लिक करता हूं तो मूव नहीं सिलेक्ट होता है। तो सेम प्रोसीजर है जी कि स्टार्टिंग में कर दे और डेटा को नीचे चले जाए और शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करो। ये चीज नॉट जी एक्सेल, आप हर वर्ड में, पावर पॉइंट में, इंटरनेट पे, पीडीएफ में, सब पे इसी तरह का रूल फॉलो। जी अब इसमें अगर कीबोर्ड सेलेक्ट करना हो तो हम जी लोग जनरली कंट्रोल ए करते हैं। तो कंट्रोल ए, ध्यान रखिएगा, ये आपके फाइनल सेलेक्ट के गो टू स्पेशल के करंट रीजन को ट्रिगर करता है। ओके इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके डेटा में कोई रो या कोई कॉलम ब्लैंक हुआ पूरी की पूरी, तो सिर्फ आपका ब्लैंक रो एंड कॉलम से पहले का डेटा सिलेक्ट करेगा, उसके बाद का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे कर्सर में ब्लैंक है, मेरे डेटा में ब्लैंक है, तो कैसे पता चले? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम बस समझिए इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास 90,000, 1 लाख का डेटा है, और 80,000, 85,000 के बाद एक ब्लैंक रो है। आपने ऐसे जी डेटा ऊपर नीचे करके देख लिया और आपने उस पर पीवर्ड को लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, या जो भी करना कर लिया। जब आप उसकी टोटलिंग मैच करेंगे, जब उसकी रिकंसिलेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिपोर्ट गलत है। गलत होने के पीछे का रीजन क्या है? गलत होने के पीछे का रीजन है कि क्योंकि आपका जो ए था, पूरा तो जो आपका जो 95,000 पर 5 5 7 हजार का जो डेटा था वो आया ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक। तो ब्लैंक जी कैसे पता चलेगा डेटा ब्लैंक? तो आप स्टार्टिंग में जाए, कंट्रोल को होल्ड करें और डाउन एरो की प्रेस करो। ओके कंट्रोल को होल्ड कीजिए और डाउन एरो की प्रेस करो। जी आपका कर्सर वहीं पे जाते हो, ठीक है, जी डाउन कर लीजिए, लेफ्ट अप राइट, इससे मिस्टर कर्सर मूव होता है, सीक्वेंस को फॉलो जी करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लास्ट ए जाना होता है, कि लास्ट डेटा पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो नेम बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे एक लंबा सा डाल देते हैं, जैसे कि कुछ एक लंबा सा फिगर डाल, एंटर मार, वहां पहुंच गए। अब यहां से मैं कंट्रोल अप करूंगा तो मेरा कर्सर वही जाके रुकेगा जहां मेरा डेटा है, और डेटा है ना लास्ट। जी इसका यूज वीबीए बहुत करते हैं। तो आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, अगेन डाउन एरो, अगेन डाउन एरो, डेटा आपका सिलेक्ट हो, जी ठीक है। ऐसे आप पेज डाउन, आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो भी आपका सिलेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए जी आपको एक कॉलम पूरा सिलेक्ट करना होगा। डेटा का पहला कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे जी कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो एक पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पेज एक विजुलाइज सिलेक्ट होता है, इसे को लेना नहीं है कि कितना डेटा है, एक पेज को सिलेक्ट करता है।
जी सबसे जो अच्छा तरीका है वो है यहाँ पे स्टार्टिंग में रखिए कंट्रोल से आपके कीबोर्ड में ENV एंड बटन होगा वो प्रेस कीजिए सिलेक्ट हो पूरा का पूरा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्या, इसलिए तो फालतू के कॉलम भी सिलेक्ट करिए। तो जी कंट्रोल एंड क्या करता है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एंड आपका यूज सेल को सिलेक्ट करता है। आपने कि कुछ सेल को यूज किया है, बाद में भले डेटा डिलीट कर दिया बट यूज किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ आपके डेटा में कोई यूज नहीं है यहाँ पे देखिए तो आपका डेटा वही सिलेक्ट ठीक है। हाँ इसमें ब्लैंक रो होता है सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या? एन ई एन डी और आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बता दिए आपने कभी नोट किया नहीं, कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग से भी कितना लिखेंगे। तो मैंने शॉर्टकट लिस्ट यहाँ पे आपको दे दी सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की शॉर्टकट लिस्ट देखने से आपके मन में जिज्ञासा होगा कि क्यों ना पूरे एक्सेल में शॉर्टकट लिस्ट को पता करें। लेकिन जी क्या है कि शॉर्टकट के जरिए एक्सेल में आप काम करते हैं दो चीज होता है। पहला आपका 30% स्पीड बढ़ जाता है और दूसरा मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू के सामने कीबोर्ड पे खटाखट हाथ मार रहे हैं, सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाएगा यार सच में इसके बाद एक्सपीरियंस है अच्छा जानता है तो नहीं क्या उसके लिए। तो वहां पे आपने फायदा करेगा। लेकिन सारे शॉर्टकट लिस्ट कहाँ पता चले? ऊपर सर्च दिख रहा है, सर्च पे जी जाए यहाँ सर्च करें लिमिट, यहाँ सर्च करें लिमिट्स, नहीं लिमिट्स नहीं माफ कीजिएगा शॉर्टकट है ना शॉर्टकट। लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? या आ गया कि हेल्प में कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर नहीं हुआ तो आप F4 प्रेस कीजिएगा, इस तरह का हेल्प खुल के चलाएगा और इस हेल्प में आप यहाँ जो सर्च बार दिख रहे हैं सर्च कर। अब कुछ लोग इसको सर्च करेंगे गूगल पे जाते हैं लेकिन मैं गूगल पे जाने के लिए मना करता हूँ। एक्सेल की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एक्सेल हेल्प में अवेलेबल है, यहाँ से ले सकते हैं सारे शॉर्टकट लिस्ट आपके हाथ। जी ठीक है अब बात करते हैं मल्टी सेल्स सिलेक्शन की। मुझे मान लीजिए कुछ 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 सेल्स चाहिए तो यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड किया और इस तरह से कुछ 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 सिलेक्ट कर लिया बट उसको कॉपी नहीं कर सकते, बाकी चीजें कर सकते हैं डिलीट हो गया प्रॉपर्टी हो गया वो सब कर सकते हैं बट कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी तभी होगा जब एक ही रो या एक कॉलम में होगा या ऐसे ही केस। सीक्वेंस में जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस एक ही रो में किया हुआ इस तरह से, जी अब मान एक ने जो एक ही ज्यादा जैसे मैंने 1 से 3 कर लिया राइट, तो एक से जी तीन बाकी कॉलम में भी 1 से 3 होना चाहिए जी ठीक है तो कॉपी करें। जी हाँ कॉपी आप अलग अलग कर सकते हैं लेकिन पेस्ट आपको यहाँ एक जगह। जी ठीक है अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए मेरे पास एक सीट है, अब मैं हर सीट के ऊपर डेट लिखना चाहिए, एक सीट पे डेट लिखे फिर कॉपी पेस्ट उससे अच्छा है कि आप शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में क्लिक करो सारा सीट सिलेक्ट हो गया ऊपर ग्रुप आ गया। अब यहां पे मैं डाल दिया डेट, अब जो भी टाइप कर रहा हूं मैं ये पूरा का पूरा सीट पे हो रहा है। देखिए सीट 4 पे भी आएगा, सीट 5, सीट 6, सीट 7, ओके लेकिन मुझे सब सिलेक्टेड सीट चाहिए पूरा नहीं चाहिए। तो शिफ्ट के जगह पे कंट्रोल को होल्ड कीजिए और जिस सीट पे करना है उस सीट पे क्लिक कीजिए।
अब यहां पे मैं टाइम लिख देता हूँ पहले। तो जो जो सीट सिलेक्टेड है उसी पे जाएगा, सीट 4 पे नहीं है। हाँ सीट 5 पे दिखे, सीट 6 ठीक है, क्लियर है। जी चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइम। देखिए क्या होता है कि आप जो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा, तो सुजीत कुमार जो है, कुमार में देखिए एम आर जो बी पे जा रहा है, और बी पे कुछ लिख दिया तो हाइट हो गया, तो डिलीट हो गई। एक जो भी सेल जो होता है, एक सेल के अंदर डेटा कंटेन होता है, विजुअल हो ना हो उसे पर्पस नहीं है, सेल के अंदर है और उसकी ओरिजिनलिटी आपको फॉर्मूला वार में दिखती है। जी जब भी आप नंबर टाइप करते हैं तो हमेशा वो जो है आपका लेफ्ट साइड में चला जाता है, और जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो राइट साइड में चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, मैनुअली यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन करता है टेक्स्ट और नंबर। कभी भी कोई नंबर और टेक्स्ट आपने एक साथ लिख दिया तो इसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जी पर डेट में कर सकते हैं। अगर आपने डेट लिखा हुआ है और डेट में आपको टेक्स्ट दिख रहा है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये आपको विजुलाइज हो रहा है 12 अप्रैल, बट एक्चुअल में क्या है, इसकी जो जनरल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये आपको नंबर दिखेगा। तो नंबर ऑफ डेज में से डेट को स्टोर करता है, तो कैलकुलेशन डेट को हो जाती है, बाकी में नहीं होती। जी लेकिन इसी के प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग जो है कुछ फिगर लिखते हैं, जैसे मान लो किसी ने कुछ इस तरह का मेजरमेंट लिखा हुआ, तो अब उनको यहां सम करना है, तो सम होगा नहीं जी होगा, क्योंकि इन्होंने नहीं एफटी जो लिखा है ना टेक्स्ट के साथ बोल दिया, तो टेक्स्ट। तो आपके पास दो चॉइसेस है कि आप जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से 70, 80, 95, 75 एंड 65 लिख दे, और एफटी को इसके बगल में लिख, बगल वाले सेल ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं, मुझे एक्स्ट्रा सेल नहीं करना है, मुझे इसी के अंदर शो करना है और कैलकुलेट भी करना। तो उसके लिए फिर कस्टम फॉर्मेटिंग का सहारा लेते हैं, हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम जीरो के साथ इन्वर्टर को हमें एफ टी लिख देते हैं। तो क्या होता है, अब दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में विजुअल है, एक्चुअल में जो आपका है 75 ही है, इसलिए इसमें आसानी से सम कैलकुलेशन हो सकता है। अब डेट की अब बता देते हैं, देखिए डेट टाइप करने से पहले आप चेक कर लें कि आपका डेट फॉर्मेट क्या है। जैसे मेरा है DDMM, मतलब कि पहले डेट फिर मंथ, क्योंकि मैंने रीजन इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, बट आपका रीजन अगर यूएस होगा तो आपको MMDD होगा। मतलब कि अगर मैं टाइप करूं डेट तो मैं 12/4 लिखूंगा, बट आप टाइप करेंगे तो 4/12 लिखेंगे, अगर यूएस यूएस फॉर्मेट हुआ ठीक है। और ईयर डालने की, अगर करेंट ईयर का डेट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ईयर आ जाता है। ओके डेट लिखते समय कभी भी डॉट का प्रयोग मत कीजिए, जैसे 23/03/2023, ये डेट डेट नहीं हुआ, तो कभी भी डॉट का प्रयोग नहीं करता है। सेम टाइम अगर टाइप करते हैं, जैसे मुझे अभी का टाइम टाइप करना है 7:20 में, तो आप 7 और 20 लिख दीजिए, एंटर मार दीजिए, ऑटोमेटिक चला जाए। लेकिन मुझे शाम को 6 बजे का लिखना है, तो आपको यहाँ पे PM को डिक्लेयर करना हो, वरना बाय डिफॉल्ट AM ले लेगा, जैसे कि 7:20 वार्निंग दे दिया इसके। या फिर आप 24 आवर वाला सिस्टम जैसे कि 18, इसका यूज कर सकते हैं ठीक है सर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। जैसे ये डेटा है, मुझे इस पे 20 ऐड करना है, इसमें मैं गया प्लस 20 लिख के एंटर कर दिया, तो A2 क्या है,
ए टू हमारा सेल एड्रेस है, ए नंबर रो एंड टू नंबर कॉलम, तो ए नंबर कॉलम एंड टू नंबर रो और +20 गया, तो ए टू की जो वैल्यू होगी उस पे 20 ऐड हो जाएगा और रिजल्ट आपके हाथ में। सॉरी, यहाँ पे अब आपको सब पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। जी लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब मुझे 20 मैनुअल नहीं है, और ड्रैग करने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ए टू था, ड्रैग होता ही ए थ्री हो गया, ए फोर हो गया। जब भी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे उसका सेल एड्रेस अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज कर लेता है, मतलब नीचे से ऊपर गया तो डिक्रीज, ऊपर से नीचे आया इंक्रीज, ऐसे लेफ्ट टू राइट भी करेंगे तो जैसे मैं यहाँ करूंगा ए जो है बी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कब, जब मेरा फिक्स होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया ए टू प्लस टी वन की वैल्यू, हमें 20 को मैनुअली ना फॉर्मूला में ना डाल के एक्सेल पे डाल दिया, इसका फायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जैसे ऐड करूंगा 30 चेंज करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको मैनुअली फॉर्मूला में जी जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जो यहाँ ए टू था यहाँ पे ए थ्री हो गया, हो गया ना, तो जी डी वन था और डी टू हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। ए वन ए टू तो ए थ्री करना है पर डी वन को डी टू नहीं करना, क्योंकि डी वन हमारा फिक्स है भाई, जी इसके लिए हम डॉलर का साइन, मतलब जी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस कर दिया, प्लीज कर दिया, ठीक है। और नीचे तब इसको ड्रैग कर, जी अब देखिए सब पे आपको फिक्स है, लेकिन जब इसको लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तब चेंज हो गया, क्यों, हाँ क्योंकि तो उधर चला गया। हमने डॉलर ई के आगे कॉलम के आगे नहीं लगाया था, रो के आगे लगाया। अब इसी का एक सटीक एग्जाम्पल नीचे देता हूं, मुझे यहाँ पे टेबल लिखना है, तो टेबल के लिए हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो नीचे 5 मल्टीप्लाई में 3, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 6 ऐसे चले। लेकिन जैसे नीचे ड्रैग किया तो मैंने देखा कि जो 5 था वो 10 हो गया ना, तो मुझे 5 को 10 नहीं करना, मतलब D12 जो है यहाँ पे D13 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे D12 को हमने कर दिया फ्रीज। अब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा 5 5 का जो टेबल है वो आ जाए, 5 का पहाड़ा लगे, जी लेकिन 7 के पहाड़े में दिक्कत हो जाए। 7 के पहाड़े में आप जाके देखेंगे, यहाँ पे ड्रैग कीजिए तो मैंने देखा कि 7 जो है यहाँ 7 हुआ तो सही है पर 2 10 हो गया, मतलब जो सी था उसको डी नहीं होना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी को डॉलर साइन लगा, अब मैं इसमें ड्रैग करूंगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। जी जिसकी कीजिए प्रैक्टिस, और एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं कि ये जो कैश मेमो दिख रहा है ना, सेम टू सेम आप एक्सेल शीट पे बना के मुझे दे, और जिसमें आप जो है कुछ डेटा एंटर कर दे, सैंपल डेटा, और उसमें आप कैलकुलेट करें अमाउंट को, अप्लाई करें टोटल, इस तरह का फॉर्मेट बना, जी ठीक है। ठीक है सर।